Hello students, welcome to the class. Students, in the last class we studied about list operations. पिछले क्लास में हमने लिस्ट ऑपरेशंस पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रैवर्सिंग देखा था, स्लाइसिंग देखा था. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिस्ट मैनिपुलेशन. देन वी विल सी बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स अवेलेबल फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन. फर्स्ट आई स्टार्ट विथ लिस्ट मैनिपुलेशन. वॉट डू यू मीन बाई मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन मीन्स यू वॉन्ट टू ऐड, यू वॉन्ट टू अपडेट और यू वॉन्ट टू डिलीट आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट. तो इसमें मैनिपुलेशन में सबसे पहला ऑपरेशन है अपेंडिंग. द फर्स्ट मैनिपुलेशन ऑपरेशन ऑफ अ लिस्ट इज अपेंडिंग. वॉट डू यू मीन बाई अपेंड? अपेंड का मतलब क्या होता है? इफ यू वॉन्ट टू ऐड अ सिंगल आइटम टू अ लिस्ट, वंस अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू वॉन्ट टू ऐड अ सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ अ लिस्ट, देन यू हैव टू यूज द मेथड अपेंड. समझ में आ रहा है? यानी कि आप एक लिस्ट क्रिएट करे हैं, यू हैव क्रिएटेड अ लिस्ट, इन दैट मे बी यू हैव थ्री वैल्यूज और फोर वैल्यूज. लेटर ऑन इन द प्रोग्राम इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड वन मोर वैल्यू टू द लिस्ट, और एक आइटम अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं, फॉर दैट यू हैव टू यूज अ मेथड कॉल्ड एज अपेंड. सो अपेंड में आप एक आइटम को ऐड कर सकते हैं. दिस इज द मेथड. हाउ यू कैन राइट अगर आपको अपेंड करना है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज द लिस्ट इज एल. एग्जाम्पल में हम लेते हैं लिस्ट इज एल, द आइटम्स आर 10, 12, 15. This is a list. The name of the list is L. ये name जो आप देते हैं, ये user अपने हिसाब से, user defined name कुछ भी दे सकते हैं आप अपने सुविधा के हिसाब से, जो नाम आपको comfortable होगा. But you have to follow certain rules. जो आप naming rules पढ़ते हैं वो आपको follow करना होता है. Then these are the values. Three items are there. Now if I want to add a single item, as I told earlier, append में आप single item को add कर सकते हैं at a time. एक से ज़्यादा वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं. सो इफ़ आई वॉन्ट टू ऐड एन आइटम दैट इज 16, आइटम कह सकते हैं, और यू कैन कॉल इट एज एलिमेंट. इफ़ आई वॉन्ट टू ऐड एन एलिमेंट 16 टू द लिस्ट एल, देन आई हैव टू यूज़ द मेथड अपेंड. फॉर दैट आई हैव टू राइट, फर्स्ट यू हैव टू राइट द लिस्ट नेम. जो लिस्ट ऑब्जेक्ट जो भी है, लिस्ट का जो नाम है वो आपको लिखना है. देन यू हैव टू यूज डॉट ऑपरेटर. डॉट लिखने के बाद व्हाट इज द मेथड? अपेंड. अपेंड देन विद इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट द आइटम. व्हाट आइटम यू वांट टू ऐड? हियर आई वांट टू ऐड 16. दैट मींस आई वांट टू ऐड 16 टू द लिस्ट एल. सो वेयर इट विल बी एडेड? इट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट. ये जो लिस्ट एल है, इसमें जो लास्ट एलिमेंट है 15, आफ्टर 15 ये एलिमेंट ऐड होगा. सो इफ आई प्रिंट दिस, अगर इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं, व्हाट आउटपुट यू विल गेट? 10, 12, 15, ये आपका प्रीवियस लिस्ट था, उसके बाद हमने एक आइटम ऐड किया, दैट इज 16. सो द न्यू लिस्ट इज 10, 12, 15, 16. क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड यू कैन ऐड अ सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ अ लिस्ट. सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ लिस्ट मैनिपुलेशन. सेकेंड वन, नेक्स्ट इज अपडेटिंग. द सेकेंड ऑपरेशन इज अपडेटिंग. स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू अपडेट और चेंज एन आइटम ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस, वंस अगेन आई एम टेलिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू अपडेट और चेंज सर्टन आइटम ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस, अगर आप लिस्ट में किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन में, फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है एल, जिसमें अगर आप चाहते हैं जो वैल्यू सेकेंड पोजिशन में है, इंडेक्स वैल्यू 1 में है, इट शुड बी चेंज्ड और इट शुड बी अपडेटेड. सो उस तरह के केसेस में आपको क्या यूज़ करना होता है? यू हैव टू यूज़ द मेथड अपडेट. फॉर दैट अगेन यू हैव टू राइट द लिस्ट नेम. फर्स्ट यू हैव टू राइट द लिस्ट नेम. देन अब आपको इसमें बताना होता है इन विच इंडेक्स वैल्यू यू वॉन्ट टू अपडेट. यहाँ पर अपडेट करने के लिए आपको पहले इंडेक्स बताना है, किस पर्टिकुलर पोजीशन में आप अपडेशन चाहते हैं या फिर आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं. सो इंडेक्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है. सो 0, 1, 2. सपोज आई वॉन्ट टू चेंज दिस वन 12 टू 12 को मैं चेंज करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू चेंज इट इन टू 25.
न्यू वैल्यू 25. सो इस तरह केसेस में आप अपडेट ऑपरेशन को यूज करेंगे. इसमें क्या होगा, यू हैव टू जस्ट असाइन द न्यू वैल्यू टू द इंडेक्स पोजिशन वेयर यू वॉन्ट टू चेंज. आपको इंडेक्स स्पेसिफाई करना है. सो द लिस्ट इज एल, यू हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स. कहाँ पर आपको चेंजेस करना है, आपको इंडेक्स 1 में चेंज करना है. नाउ दैट इज इक्वल्स टू वॉट न्यू वैल्यू यू वॉन्ट टू असाइन, दैट इज 25. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट एल ऑफ 1 इक्वल्स टू 25, यानी कि जो भी लिस्ट है उसमें आपको इंडेक्स बताना है, देन इक्वल टू जो न्यू वैल्यू आप असाइन करना चाहते हैं दैट यू हैव टू स्पेसिफाई. सो इन दिस वे इफ आई प्रिंट दिस लिस्ट, नाउ द न्यू लिस्ट इज द फर्स्ट वैल्यू इज नॉट चेंज 10, द सेकेंड वैल्यू विद द इंडेक्स 1 इट इज चेंज विद 25. सो द न्यू वैल्यू इज 25, 12 रिप्लेस हो गया है, देन लास्ट वैल्यू 15 इट विल बी देयर. क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म अपडेशन ऑल्सो. एक लिस्ट क्लियर करने के बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप उसमें अपडेशन कर सकते हैं बाई असाइनिंग अ न्यू वैल्यू. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? द थर्ड ऑपरेशन इज डिलीटिंग. इफ यू वॉन्ट टू रिमूव सर्टन आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट, अगर आप लिस्ट से कोई आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, सो यू हैव टू यूज दिस ऑपरेशन डिलीट. फॉर दिस यू हैव टू यूज अ स्टेटमेंट कॉल्ड एज डेल. डेल स्टेटमेंट आपको यूज करना होता है. DEL स्टैंड्स फॉर डिलीट. सो डेल स्टेटमेंट यूज करके यू कैन रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट. स्टूडेंट्स इफ यू वॉन्ट टू डिलीट, फर्स्ट यू हैव टू राइट डेल. डेल आपको लिखना है, देन लिस्ट नेम, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपको देना है, देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स. इन दिस वे यू कैन राइट. वन मोर मेथड इज अ डेल. इफ यू वॉन्ट टू रिमूव मोर देन वन आइटम्स, देन आपको लिस्ट लिखना है, देन यहाँ पर पहले आपको स्टार्ट इंडेक्स पोजिशन बताना है, देन यू हैव टू गिव स्टॉप इंडेक्स पोजिशन. दीज आर द टू वेज. द फर्स्ट वन इज लिस्ट. सपोज इफ आई वॉन्ट टू रिमूव अ सिंगल आइटम फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि लिस्ट से अगर हम सिंगल आइटम को रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम एनी पोजिशन, आप जीरो में रिमूव कर सकते हैं, इंडेक्स पोजिशन 1 में, ये जरूरी नहीं कि आपको एंड से ही रिमूव करना है, यू कैन रिमूव फ्रॉम एनी पोजिशन. तो अगर आप किसी भी सिंगल एलिमेंट को या सिंगल आइटम को रिमूव करना चाहते हैं, फॉर दैट यू हैव टू राइट डेल. डेल इज द स्टेटमेंट, देन लिस्ट नेम. ये आपका लिस्ट नेम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एल है, तो यहाँ पर सपोज हम एक आइटम को रिमूव करना चाहते हैं विद द इंडेक्स वैल्यू 0, यानी जो एलिमेंट सबसे पहला है, जो इंडेक्स वैल्यू 0 में है, वो एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है. फॉर दैट हाउ आई कैन राइट डेल, लिस्ट नेम इज एल, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स, किस पोजिशन से आपको आइटम को रिमूव करना है. सो द पोजिशन इज 0, सो यू हैव टू राइट एल ऑफ 0. क्लियर? इससे लिखेंगे तो आपको कौन सा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, 10. नेक्स्ट, इफ आई वॉन्ट टू रिमूव मोर देन वन आइटम्स, अगर आप मोर देन वन आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं बाई स्पेसिफाइंग अ स्लाइस. स्लाइस हमने पढ़ा था जिसमें आप रेंज बताते हैं, स्टार्ट पोजिशन होता है, स्टॉप पोजिशन होता है. तो जब आप स्लाइस यूज करके आप मोर देन वन आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं, इन दैट वे, इन दिस केस यू हैव टू राइट इन दिस वे. आपको लिखना है डेल, देन अगेन लिस्ट नेम लिखना है, देन आपका स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू, आप कहाँ से आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं वो आइटम्स का इंडेक्स वैल्यू आपको बताना है, देन आपको कहाँ तक रिमूव करना है, स्टॉप वैल्यू क्या होगा. तो जो भी आप स्टॉप वैल्यू देंगे -1, वहाँ तक आइटम्स रिमूव हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डेल, लिस्ट इज एल, यहाँ पर 3 आइटम्स है. सपोज मैं फर्स्ट 2 आइटम्स को रिमूव करना चाहती हूँ, दैट मीन 0 to 1, सो I have to write 0:2. 0:2 means starting position क्या है, 0, यानी 0 से remove होना शुरू होगा. Stop value क्या है, 2 means it will be taken 2-1, यानी up to 1, ये दो values को remove कर देगा. Clear? So in this way you can perform different list manipulation operations. Once again I am telling, first is appending. With the help of append method, you can add a single item to the end of a list.
Second operation, updating. If you want to update or change a value in place, so you have to just assign a new value to the index position. किस value को आप किस position में insert करना चाहते हैं वो आपको देना होता है. In the third case, deleting. If you want to remove certain items, अगर आप list में से कुछ item को remove करना चाहते हैं तो आप del statement को use करके you can delete items. अगर आप single value को delete करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यू हैव टू फॉलो दिस सिंटैक्स. इफ यू वांट टू डिलीट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आप रेंज में स्लाइस में आप रिमूव करना चाहते हैं, सो आपको इस तरह से लिखना होगा. यू हैव टू स्पेसिफाई स्टार्ट एंड स्टॉप इंडेक्स वैल्यू. क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द लास्ट टॉपिक अंडर लिस्ट, दैट इज लिस्ट फंक्शंस. वॉट डू यू मीन बाई फंक्शन? स्ट्रिंग में भी हमने पढ़ा था, फंक्शंस मीन्स दैट परफॉर्म सर्टन टास्क. सो पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स आर अवेलेबल फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन. सो वी आर गोइंग टू सी वन बाई वन. द फर्स्ट फंक्शन और मेथड इज इंडेक्स. इंडेक्स मेथड, वॉट इज द यूज ऑफ इंडेक्स? इंडेक्स आपको पता है, जब आप लिस्ट में वैल्यूज देते हैं सो उसका जो आप एक्सेस करने के लिए यू हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स. स्टूडेंट्स, इफ आई वॉन्ट टू नो द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द आइटम 12, फर्स्ट आई एम राइटिंग द सिंटैक्स फॉर यूजिंग द इंडेक्स मेथड. फर्स्ट यू हैव टू राइट लिस्ट डॉट इंडेक्स, विद इन ब्रैकेट यू हैव टू स्पेसिफाई द आइटम. दिस इज द सिंटैक्स. सो इफ आई वॉन्ट टू यूज इंडेक्स मेथड, फर्स्ट आपको लिस्ट का नाम देना है, लिस्ट ऑब्जेक्ट बताना है, देन यू हैव टू यूज डॉट ऑपरेटर, देन वॉट इज द मेथड? इंडेक्स. तो आपको पता है, या दिस इज द सिंटैक्स. आप किसी भी बिल्ट इन फंक्शंस या मेथड्स को यूज करना चाहते हैं सो यू हैव टू यूज दिस सिंटैक्स. लिस्ट नेम डॉट मेथड नेम, मेथड इज इंडेक्स. देन विद इन पैरेंथेसिस यू हैव टू स्पेसिफाई द आइटम, किस आइटम का, किस एलिमेंट का आप इंडेक्स वैल्यू चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट 12, सो आई हैव टू राइट एल डॉट, बिकॉज द लिस्ट इज एल डॉट इंडेक्स लिखेंगे. देन विद इन पैरेंथेसिस आपको उस एलिमेंट को बताना है जिसका आप इंडेक्स वैल्यू चाहते हैं, दैट इज 12. सो यहाँ पर देखिए, द वैल्यू 12 कितनी बार है लिस्ट में? टोटल 2 times है. पहला जो वैल्यू है दैट इज अवेलेबल एट द इंडेक्स पोजिशन 1, देन अगेन द वैल्यू 12 इज देयर. द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द सेकेंड नंबर 12 इज 3, यानी कि जो नंबर 12 है, जिस एलिमेंट का आप इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो लिस्ट में 2 times है. क्लियर? सो पहला जो वैल्यू है उसका इंडेक्स वैल्यू 1 है, सो सेकेंड जो वैल्यू 12 है उसका इंडेक्स वैल्यू 3 है. सो अगर आप इस तरीके से इंडेक्स मेथड को यूज़ करेंगे, सो विच इंडेक्स वैल्यू इट विल बी शोन एज अ आउटपुट? आपको आउटपुट में कौन सा मिलेगा? जो पहला जो इंडेक्स वैल्यू मिलता है, जो एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं, वो जो फर्स्ट अकरेंस इन द लिस्ट, लिस्ट में सबसे पहले वो वैल्यू किस पोजीशन में है, वो वैल्यू को ही रिटर्न करेगा एज एन आउटपुट. सो यू विल गेट द आउटपुट एज 1. क्लियर? यानी मोर देन 1, अगर जिस भी एलिमेंट का आप इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं वो 1 times है इंडेक्स में, लेकिन क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स मेथड इट विल रिट्रीव, इट विल टेक द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द आइटम. जिस आइटम को सर्च करते हैं वो लिस्ट में सबसे पहला किस पोजिशन में है वो वैल्यू बताएगा. 3 आंसर में आपको नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? द सेकेंड मेथड इज अपेंड. अपेंड ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा था, द सेम मेथड है. आपको पता है अपेंड से आप सिंगल आइटम को, सिंगल एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. द थर्ड इज एक्सटेंड. द थर्ड मेथड इज एक्सटेंड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड? दोनों में एलिमेंट ऐड होता है. अपेंड में आपने पढ़ा था, यू कैन ऐड अ सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ अ लिस्ट, यानी कि आप लिस्ट के एंड में एक सिंगल आइटम को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड. बट इफ यू वॉन्ट टू ऐड मोर देन 1 items, यानी कि आप लिस्ट में एट द एंड यू वॉन्ट टू ऐड मोर देन 1 items, 1 से ज़्यादा item को अगर आपको ऐड करना है, या आप एक लिस्ट को ही एट द एंड ऑफ अ लिस्ट यू वॉन्ट टू ऐड अगेन अ लिस्ट, सो इन दैट केस यू हैव टू यूज द मेथड एक्सटेंड. समझ में आ रहा है? अपेंड में सिंगल आइटम ऐड होता है,
एक्सटेंड में मोर देन वन आइटम यू कैन ऐड टू अ लिस्ट. विल सी वन एग्जांपल. सपोज द लिस्ट इज एल वन. आइटम्स आर ए बी सी. दिस इज द फर्स्ट लिस्ट. सेकेंड इज एल टू. हियर द आइटम्स आर डी ई. क्लियर. दिस आर द टू लिस्ट. इफ आई वॉन्ट टू एक्सटेंड, अगर मुझे लिस्ट वन एल वन में एल टू जो लिस्ट है वो एलिमेंट को ऐड करना है किसमें, एल वन में. समझ में आ रहा है? यानी कि आपको इफ यू वॉन्ट टू ऐड एल टू टू द एंड ऑफ दिस लिस्ट एल वन, तो आप कैसे लिखेंगे? आप विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड मेथड यू कैन राइट. फर्स्ट यू हैव टू गिव एल वन डॉट एक्सटेंड. सबसे पहले आपको वो लिस्ट बताना है जिसमें आप ऐड करना चाहते हैं, जिस लिस्ट में आप ऐड करना चाहते हैं. देन यू हैव टू यूज द मेथड एक्सटेंड. देन उसके बाद विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपको क्या मेंशन करना है? यहाँ पर मोर देन वन आइटम है. मोर देन वन आइटम किस लिस्ट में है? एल टू में है. सो यू हैव टू स्पेसिफाई द लिस्ट एल टू. क्लियर. नाउ इफ आई प्रिंट दिस एल वन, एल वन को अगर प्रिंट करेंगे सो यू विल गेट द आउटपुट एज ए बी सी. दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट एल वन. देन इसके साथ कौन सा एलिमेंट एक्सटेंड हुआ है, कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ है? एल टू. सो यू विल गेट डी ई. दिस इज द आउटपुट. क्लियर. सो एक्सटेंड में आप एक से ज़्यादा आइटम्स को, यानी कि ये भी अगेन एक लिस्ट है जो L2 आप ऐड कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो ए लिस्ट. सो यू कैन ऐड अ लिस्ट टू द एंड ऑफ अ लिस्ट. एक लिस्ट के एंड में अगेन आप एक लिस्ट को ऐड कर सकते हैं जिसमें मोर देन वन आइटम्स हो सकता है. सो इन दैट केस यू हैव टू यूज एक्सटेंड मेथड. क्लियर स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट मेथड इज इंसर्ट. इंसर्ट मीन्स इफ़ यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ वैल्यू टू अ सर्टन पोजिशन. यहाँ पर देखिए अपेंड एक्सटेंड दोनों में वैल्यूज ऐड होता था, इंसर्ट होता था, लेकिन कहाँ पर, किस पोजिशन में? एट दी एंड. एंड में ही ऐड होता था लिस्ट में. लेकिन अगर आप चाहते हैं इन बिटवीन लिस्ट में, या तो इंडेक्स वैल्यू जीरो में या फिर इंडेक्स वैल्यू वन में, बीच में अगर आप कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू इंसर्ट एलिमेंट टू अ सर्टन पोजिशन इन अ लिस्ट, देन यू हैव टू यूज द मेथड इंसर्ट. इंसर्ट के लिए आप कैसे लिखेंगे? सपोज द लिस्ट इज अगेन ए बी सी. दिस इज द लिस्ट. इंडेक्स वैल्यू जीरो वन टू. नाउ आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ वैल्यू टू द इंडेक्स पोजिशन टू. इंडेक्स पोजिशन टू में कौन सा वैल्यू है? सी है, एलिमेंट सी है. आई वॉन्ट टू इंसर्ट डी. तो हम क्या यूज करेंगे? आई हैव टू यूज इंसर्ट मेथड. इंसर्ट में सबसे पहले आपको लिस्ट नेम देना है, दैट इज एल डॉट इंसर्ट. देन फर्स्ट यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजिशन. सबसे पहले आपको पोजिशन बताना है किस इंडेक्स वैल्यू में आपको एलिमेंट को ऐड करना है, इंसर्ट करना है. द पोजिशन इज टू. नेक्स्ट किस वैल्यू को आपको इस पोजिशन में इंसर्ट करना है? द वैल्यू इज डी. सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट डी टू द इंडेक्स वैल्यू टू. समझ में आ रहा है? यानी कि इसका सिंटैक्स क्या होगा? लिस्ट नेम पहले आपको लिखना है डॉट, देन इंसर्ट. देन सबसे पहले आपको पोजिशन बताना है किस पोजिशन में, किस इंडेक्स वैल्यू में आप न्यू वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, वो इंडेक्स बताना है. देन यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू. सो इफ आई प्रिंट दिस लिस्ट, इस लिस्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे, नाउ द न्यू वैल्यू इज इंडेक्स वैल्यू जीरो में कुछ चेंजेस हुआ है? नो. सो इट विल बी ए. इंडेक्स वैल्यू वन में बी. इट विल बी सेम. देन इंडेक्स वैल्यू टू में पहले कौन सा एलिमेंट था? सी. बट यहाँ पर अभी हमने क्या किया है? एक न्यू एलिमेंट ऐड किया है डी. सो इट विल कम डी. डी आ गया जीरो वन टू सेकेंड पोजिशन में. द वैल्यू इज इंसर्टेड. देन सो सी विल गो टू द नेक्स्ट पोजिशन. सी रिमूव नहीं होगा, इट विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पोजिशन. सो नाउ द न्यू इंडेक्स वैल्यू ऑफ सी इज थ्री. क्लियर. सो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट एन एलिमेंट टू अ पोजिशन इन ऑफ अ लिस्ट. आप किसी भी लिस्ट में, किसी भी पोजिशन में, स्टार्टिंग हो, मिड में हो या फिर एंड में, आप कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेथड. क्लियर स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट मेथड इज पॉप.
व्हाट इज द यूज ऑफ पॉप मेथड. जैसे हमने डिलीट पढ़ा था, विद द हेल्प ऑफ डेल स्टेटमेंट हम क्या करते थे, यू कैन रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट. आप एक पर्टिकुलर पोजिशन से रिमूव कर सकते थे. यू कैन रिमूव मल्टीपल आइटम्स बाई गिविंग अ स्लाइस. क्लियर. पॉप में भी आप किसी आइटम को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम अ लिस्ट, सो यू कैन यूज दिस मेथड पॉप. पॉप में आप इंडेक्स वैल्यू बताकर किस पोजिशन से आप वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट पोजिशन, और यू वॉन्ट टू रिमूव इन बिटवीन ऑफ अ लिस्ट, और यू वॉन्ट टू रिमूव फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट. आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी पोजिशन से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड. यहाँ पर ध्यान देना, जितने भी मेथड्स अब तक हमने देखा था, ये सारे मेथड्स फंक्शंस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता था. डायरेक्टली हम लिस्ट नेम देते थे, डॉट देते थे, उसके बाद मेथड का नाम लिखते थे, विद इन पैरेंथेसिस हम आइटम को स्पेसिफाई करते थे. लेकिन पॉप में क्या है, दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू. विल सी वन एग्जाम्पल. दिस इज द लिस्ट. इफ आई वॉन्ट टू रिमूव द आइटम विद द इंडेक्स वैल्यू 1, यानी इंडेक्स वैल्यू 1 में जो एलिमेंट है उसको मुझे रिमूव करना है, पॉप करना है, सो मैं कैसे लिखूंगी. सबसे पहले आपको लिस्ट नेम देना है. बिफोर दैट यू हैव टू स्पेसिफाई एन एलिमेंट टू स्टोर द वैल्यू रिटर्न बाई दिस फंक्शन. यानी कि आपको पता है पॉप मेथड एक वैल्यू रिटर्न करता है, सो जो वैल्यू रिटर्न होगा वो आपको कहाँ किस एलिमेंट में स्टोर करना है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में देना होगा. सो हियर आई हैव यूज ELE. यू कैन गिव एनी नेम. ELE इक्वल्स टू L डॉट पॉप, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स 1. यानी कि इस तरह की स्टेटमेंट को लिखेंगे, सो व्हाट आउटपुट यू विल गेट. इंडेक्स वैल्यू 1 में व्हाट इज द वैल्यू B. इट विल बी रिमूव्ड एंड इट विल बी रिटर्न टू द वेरिएबल ELE, दैट इज एलिमेंट. क्लियर. सो बाकी जितने भी मेथड देखे थे हमने वहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट नेम डॉट मेथड नेम यूज़ किया था. बट पॉप में आपको ध्यान देना है, सिंस दिस मेथड इज रिटर्निंग अ वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न करता है, सो पहले आपको एक उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए यू नीड अ वेरिएबल. आपको वेरिएबल देना होगा, एक लेबल देना होगा, देन इक्वल्स टू देना है, देन यू हैव टू यूज द मेथड लिस्ट डॉट पॉप, देन आपको इंडेक्स पोजिशन बताना है. क्लियर. इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग दिस पोजिशन, पॉप में क्या होता है, आप ये जो इंडेक्स वैल्यू देते हैं ये ऑप्शनल है. डेल में भी आप इंडेक्स वैल्यू देते थे, सेम इसी तरह आप डेल में भी कर सकते थे, लेकिन डेल में क्या होता था, इंडेक्स वैल्यू देना कंपलसरी होता है. लेकिन पॉप में ये जो ब्रैकेट में आप इंडेक्स वैल्यू देते हैं, इट इज़ ऑप्शनल. ऑप्शनल मतलब अगर आप इंडेक्स वैल्यू देंगे तो उस पर्टिकुलर पोजिशन का वैल्यू रिमूव होगा, डिलीट होगा. बट इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग द इंडेक्स वैल्यू, सपोज इफ आई राइट L डॉट पॉप, जस्ट ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ब्रैकेट के अंदर, सो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा. आई हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी इंडेक्स. सो जब आप इंडेक्स को स्पेसिफाई नहीं करते हैं पॉप मेथड में, सो ऑटोमेटिकली इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. समझ में आया. यानी आप इंडेक्स नहीं लिखेंगे, कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, सी, जो कौन सा पोजिशन में है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू 2 में है. क्लियर. So in this way you can remove items from a list with the help of pop method. Students, the next method is remove. Remove again, if you want to remove a value. अब तक हम जो देखते थे वो आप इंडेक्स पोजिशन को स्पेसिफाई करके वैल्यू को रिमूव करते थे. बट इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव, इफ़ आई वॉन्ट टू डिलीट एन आइटम ऑफ अ लिस्ट बाई स्पेसिफाइंग द वैल्यू इट्सेल्फ, आप वैल्यू को ही स्पेसिफाई करके किस वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं वो वैल्यू को आप देंगे विद द हेल्प ऑफ रिमूव मेथड. डिफरेंस समझ में आ रहा है. पॉप और जो डेल में क्या होता था, आप इंडेक्स बताते थे किस पोजिशन से आपको रिमूव करना है एलिमेंट, लेकिन रिमूव में क्या है, आप वो वैल्यू को बताएंगे किस वैल्यू को आपको रिमूव करना है, वहाँ पर आपको इंडेक्स स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. विल सी द एग्जाम्पल. सपोज द लिस्ट इज L, द आइटम्स आर 1, 5, 7. इफ आई वॉन्ट टू रिमूव द वैल्यू 5, इंडेक्स पोजिशन नहीं बताना है, मुझे वैल्यू 5 को रिमूव करना है. सो सबसे पहले आपको लिस्ट का नाम लिखना है, लिस्ट ऑब्जेक्ट रिमूव, देन विद इन पैरेंथेसिस यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू, द वैल्यू इज 5. समझ में आ रहा है. यानी 5 यहाँ पर इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर वैल्यू है. सो 5 यहाँ पर आप इस तरह स्टेटमेंट को लिखेंगे, क्या होगा, इफ यू प्रिंट दिस लिस्ट
now the new list is 1, 7 because 5 is removed. Clear? तो डिफरेंस समझ में आपको रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है. रिमूव में आप डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हैं, नॉट द इंडेक्स पोजीशन. लेकिन पॉप में क्या है, आप इंडेक्स पोजीशन बताते हैं किस पोजीशन से आपको रिमूव करना है. यहाँ पर ध्यान देना है, जब आप रिमूव यूज करते हैं, आप जो वैल्यू दे रहे हैं, इफ दैट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, अगर वो वैल्यू वहाँ पर नहीं है, देन इट विल रेज एन एक्सेप्शन एरर. इट विल रेज एन एरर. समझ में आपको. नेक्स्ट मेथड इज आफ्टर रिमूव क्लियर. अब तक जो भी हमने एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए देखा था, उसमें हम पर्टिकुलर पोजीशन से रिमूव करते थे, रेंज से रिमूव करते थे, स्लाइस यूज करके. बट इफ आई वांट टू क्लियर, इफ आई वांट टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आप एक लिस्ट का सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज द मेथड क्लियर. डायरेक्टली आपको लिस्ट का नाम लिखना है. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू क्लियर, इफ आई वांट टू रिमूव ऑल द आइटम्स ऑफ द लिस्ट एल, आई हैव टू राइट एल डॉट क्लियर. यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस में कोई भी आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं देना है. क्लियर? आप क्लियर लिखेंगे तो क्या होगा, इट विल रिमूव ऑल द आइटम्स. केवल आइटम्स रिमूव होगा, बट द लिस्ट विल बी देयर. लिस्ट एग्जिस्ट होगा, लेकिन आइटम सारे रिमूव हो जाएंगे. सो अगेन यू कैन यूज दैट लिस्ट. आप एल को दोबारा यूज कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. समझ में आ रहा है, यानी कि इसके बाद अगर आप एल को प्रिंट करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद एल डॉट क्लियर आपने एग्जीक्यूट किया, क्लियर से क्या होगा, आपको पता है सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएगा. नाउ इफ आई प्रिंटिंग दिस लिस्ट, अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करती हूँ, व्हाट आउटपुट यू विल गेट, यू विल गेट एन एम्प्टी लिस्ट. आपको एम्प्टी लिस्ट मिलेगा, बट लिस्ट विल बी देयर, ऑब्जेक्ट विल बी देयर, ऑब्जेक्ट विल नॉट बी रिमूव्ड. सेम चीज आप डेल स्टेटमेंट में भी कर सकते थे. इफ यू गिव डेल देन लिस्ट नेम, डेल लिखकर आप एल लिखेंगे, यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी इंडेक्स वैल्यू, स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू, देन ऑल्सो इट विल रिमूव ऑल द आइटम्स. लेकिन डिफरेंस क्या है डेल और क्लियर में, डेल में क्या होता है, नॉट ओनली एलिमेंट्स, द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बी रिमूव्ड. यानी कि जो लिस्ट एल है, अगर हम डेल एल लिखेंगे तो क्या होगा, एल में जो भी एलिमेंट्स है वो भी रिमूव हो जाएगा, और साथ ही साथ जो लिस्ट एल है, द ऑब्जेक्ट लिस्ट विल ऑल्सो बी रिमूव्ड. बट लेकिन आप क्लियर लिखेंगे, क्लियर में केवल एलिमेंट्स रिमूव होता है, बट द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी रिमूव्ड, इट विल बी देयर. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज रिवर्स. रिवर्स मेथड, व्हाट इज द यूज ऑफ रिवर्स, आपको नाम समझ में आ रहा है. इफ यू वांट टू रिवर्स, जस्ट आपको एलिमेंट को रिवर्स करना है, जो एलिमेंट लास्ट में है वो फर्स्ट में आना है, आपको उस तरह से आइटम्स को रिवर्स करना है. सो आप रिवर्स मेथड को यूज करेंगे. डायरेक्टली आप लिखेंगे एल डॉट रिवर्स, जो भी लिस्ट को आपको रिवर्स करना है, डॉट लिखेंगे, रिवर्स, पैरेंथेसिस देंगे, व्हाट आउटपुट यू विल गेट इफ आई प्रिंट दिस लिस्ट, 751. ओरिजिनल लिस्ट था 157, जब हमने रिवर्स मेथड को यूज किया, जस्ट एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया गया है, सो द न्यू वैल्यू ऑफ द लिस्ट इज 751. क्लियर? दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ लिस्ट मैनिपुलेशन, दैट इज सॉर्ट. सॉर्टिंग हमने पढ़ा था. सॉर्टिंग मीन्स इफ यू वॉन्ट टू अरेंज द रिकॉर्ड्स, इफ यू वॉन्ट टू अरेंज द लिस्ट वैल्यू इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन आप क्या करेंगे, यू कैन यूज दिस मेथड सॉर्ट. सो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप सॉर्ट मेथड को यूज़ करेंगे, इट विल बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी कि अगर आप लिखेंगे L, ऑलरेडी ये लिस्ट सॉर्टिंग में है, सपोज यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं 10, नाउ इट इज़ नॉट इन पर्टिकुलर, ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. सो आप लिखेंगे L डॉट सॉर्ट. अगर आप डायरेक्टली लिखें एल डॉट सॉर्ट, मतलब यू हैव नॉट स्पेसिफाइंग किस ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग. सो डिफॉल्ट ऑर्डर इज असेंडिंग. सॉर्ट मेथड आप यूज करेंगे, लिस्ट नेम डॉट सॉर्ट, तो डिफॉल्ट किस ऑर्डर में अरेंज होगा, इट विल बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अगर आप डिक्रीजिंग में करना चाहते हैं, देन आपको लिखना होगा एल डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू. जस्ट विद इन पैरेंथिसिस आपको देना होगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू. इस तरह से आप लिखेंगे, तब क्या होगा, आपका जो भी एलिमेंट्स है वो किस ऑर्डर में सॉर्टिंग होगा, इट विल बी अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. समझ में आ रहा है?
So students, these are the methods, built-in functions available for list manipulation. In the next class, we are going to see the third data type, standard data type of Python, that is tuples. Till then, take care.